हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास सिक्स NCERT का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, और ये चैप्टर आपके UPSC BPSC के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड्स गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। आपने ये वर्ड गवर्नमेंट बहुत बार सुन चुका होगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप पढ़ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या है, इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स, और यह हम लोगों की लाइफ्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, और गवर्नमेंट क्या करते हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज, और क्या डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट में, जैसे कि मोनार्कीज गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। तो चलिए रीड मोर एंड फाइंड आउट, तो और पढ़ो और समझो। तो ये कुछ पेपर के कटिंग है जो कि हेडलाइन इसी तरह से होते हैं, पेपर में वही चीज़ दिए गए हैं, और आपको ये कॉर्नर में बोलते हैं कि और भी इस तरह के ढूंढें और यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4 में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। सभी कंट्री को ज़रूरत होती है एक गवर्नमेंट की जो कि डिसीजन ले और किसी भी काम को करें। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। ये डिसीजन हो सकती है कि रोड कैसे बनाए, स्कूल कहाँ बने, कैसे बने, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और किस तरह से ऑनियन जब के दाम जब बढ़ जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उसके दाम को कैसे रिड्यूस करें, कैसे घटाएँ, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे बढ़ाएं। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज, और गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इशू पे भी एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, के पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि पुअर की मदद करते हैं। इट डज़ अदर इम्पोर्टेंट थिंग सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और भी बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट थिंग्स करते हैं जिसमें कि पोस्टल को रन करवाते हैं एंड रेलवे सर्विसेज को भी रन करवाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट आल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का ही ये भी काम है कि अदर कंट्री के साथ जो बाउंड्रीज लगती है वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करें बाउंड्री को, और अदर कंट्री के साथ पीसफुल्ली बनाए रखे, मेंटेन करके रखे शांति को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, इनके सभी सिटीजन को, गवर्नमेंट जिस कंट्री का है उस कंट्री के सभी सिटीजन को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए खाना, और हेल्थ फैसिलिटी उन्हें मिलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं लाइक जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक आए, इट इज़ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ही है दैट मेनली ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं एड एंड असिस्टेंस अफेक्टेड पीपल के लिए। इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, अगर कहीं पे डिस्प्यूट होता है और कोई क्राइम करता है, तो यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, तो आप उस पीपल को कोर्ट में ले जा सकते हैं, कोर्ट में देखिएगा। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो कोर्ट भी जो होती है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल थिंग्स, तो ये संभव है कि आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये सारे चीज कैसे करते हैं, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उन्हीं के लिए क्यों ये नेसेसरी है कि ये सब काम करना है, औरों के लिए क्यों नहीं। व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, जब आदमी जीते और एक साथ रहते हैं, देयर नीड्स टू बी सम
अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे कि किसी भी डिसीजन को आसानी से बना पाए। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि सभी पीपल पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ज़रूरत होती है कि रिसोर्स को कंट्रोल करें और कंट्री में जितने भी टेरिटरी हैं सभी को प्रोटेक्ट करें, सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे कि पीपल जो है वहाँ के वो सिक्योर फील करें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ करते हैं अपने पीपल के लिए बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप चला के, टेकिंग डिसीजन लेके एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और इन सभी चीज़ों को सभी पीपल पे लागू करके उनके टेरिटरी में जो भी रहते हैं। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल क्या होती है गवर्नमेंट की। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो तो आप जान चुके हैं कि गवर्नमेंट किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैनी डिफरेंट थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू ऑल डू ऑल दीज, इन सभी चीज़ों को कैसे कर पाते होंगे वो। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं, एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट लेवल पे एंड एट द नेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे। सरकार जो है वो एक लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है एंड द नेशनल लेवल पे काम करती है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल पे होती है आपके गांव, शहर या लोकेलिटी हो सकती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट। और स्टेट लेवल का मतलब होता है कि पूरे स्टेट लेवल पे, लाइक हरियाणा, जैसे कि हरियाणा का या असम का, एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री सीधा। और नेशनल लेवल का मतलब होता है कि इंटायर कंट्री पे, पूरे कंट्री के लेवल पे। तो वो बोल रहा है मैप देखने के लिए। लेटर इन दिस बुक, इसी बुक में आप बाद में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन, किस तरह से लोकल लेवल पे जो है गवर्नमेंट काम करते हैं। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेज, और जब आप अगले क्लास और में जाएंगे कुछ, तो यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कैसे काम करते हैं ये आप जान पाएंगे। इस चैप्टर में, इस क्लास में आप सिर्फ ये जानेंगे कि लोकल लेवल पे कैसे गवर्नमेंट काम करती है। तो लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉ और गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। सरकार जो है गवर्नमेंट वो लॉ बनाती है और उस कंट्री के जो भी पीपल होते हैं उन सभी को ये लॉ फॉलो करनी होती है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही सिर्फ एक रास्ता है जिससे कि गवर्नमेंट अपनी काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। गवर्नमेंट के पास ये पावर है डिसीजन लेने की। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। और ये पावर ही है जिससे कि वो अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट, एक लॉ है जो कि बोलती है ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, जितने भी लोग मोटर व्हीकल चलाते हैं, मस्ट हैव अ लाइसेंस, सभी के पास लाइसेंस होनी ज़रूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। कोई भी पीपल अगर पकड़ाए जाते हैं बिना लाइसेंस के चलाए हुए, तो वो ज़रूर जेल में पाएंगे या जेल जाएंगे या उन पे कुछ मनी फाइन किया जाएगा। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज़। इन सभी के बिना गवर्नमेंट का जो लॉ है वो, इन सभी को पावर ही है जो कि डिसीजन को यूज में लाते हैं। तो कुछ डिस्कस करने बोल रहे हैं आप लोग को, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, और भी दूसरे लॉ पे सोचिए और उन्हें क्या इंपॉर्टेंट है वो ढूंढिए। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर आल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ
पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, किसी भी एक्शन से जो गवर्नमेंट लेते हैं वो पीपल ले सकते हैं, टैक्स दे फील, अगर वो ऐसा फील करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इफ़ अ पर्सन फील्स, अगर पर्सन फील करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि दैट दे अवेयर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर वो पाते हैं कि उन्हें कोई जॉब में नहीं लेते हैं क्यों, क्योंकि उसके रिलीजन को लेकर के या कास्ट को लेकर के, ही और सी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, तो वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि भैया मेरे रिलीजन या कास्ट को लेकर के मुझे जॉब नहीं दिया गया। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, उसके बाद कोर्ट जो है अपना ऑर्डर सुनाएंगे कि करना क्या है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब टाइप क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज, तो गवर्नमेंट को आखिर ये पावर देता कौन है कि डिसीजन ले और कोई भी लॉ चलाए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंडेंस ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह के गवर्नमेंट हैं। इन अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी अगर होगी कंट्री में तो इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, तो वहाँ के पीपल ही होंगे जो उन्हें पावर दे रखे होंगे। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, वो क्या कैसे उनको पावर देते हैं, इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम, वो किसी पर्टिकुलर को वोट देते हैं और उन्हें जीत दिलाते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार अगर इलेक्टेड हो गए, दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वही गवर्नमेंट बनते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अपने पीपल को ये डिसीजन के बारे में बताते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की, और एक गवर्नमेंट का टाइप है मोनार्की। द मोनार्की किंग और क्वीन, मोनार्की बोले तो एक तरह से राजा या रानी, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, उनके पास पावर होती ही है पहले से कि डिसीजन ले या रन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चलाए। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विथ बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेंस विद द मोनार्क, मोनार्क के पास जरूर ही कुछ पीपल होते हैं, ग्रुप होते हैं जिनके साथ वो डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर को, लॉ को, लेकिन डिसीजन राजा ही लेते हैं। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक, और वहाँ पे डेमोक्रेसी के जैसे राजा या रानी को बताना नहीं पड़ता है कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, काहे लिए हैं, बस वो ले लिए तो ले लिए, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सरकार को बतानी होती है क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये सारी चीज़ डिस्कस करने के लिए आपको बोल रहे हैं। अब आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते क्या है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है अपना कंट्री ये डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड एवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल, ये जो है डेमोक्रेसी का है इंडिया में, ये अचीवमेंट है किस चीज़ के रिजल्ट का, बहुत बड़े स्ट्रगल का, इंडियन पीपल के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया जिससे आज़ादी मिली है। देर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल, इस संसार में, वर्ल्ड में और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि उन वहाँ के आदमी स्ट्रगल किए हैं टू हैव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए। यू नो वाट, यू नो दैट द मेन फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, डेमोक्रेसी का सीधे सीधे ये मतलब होता है कि वहाँ के आदमियों को ये हक है कि वो अपने लीडर को चुने। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, तो इसी से ये मतलब निकलता है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में पीपल के ही द्वारा रूल किया जाता है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स, और इसका बेसिक आइडिया यही है कि पीपल जो है वो खुद से रूल करते हैं, किस कैसे सभी रूल्स में पार्टिसिपेटिंग करके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज,
In representative democracies, people do not participate directly. Democracies, people जो है वो participate नहीं करते हैं directly. लेकिन instead choose their representatives through an election process. लेकिन वो election process से अपने representative को चुनते हैं जिसे वो सरकार में लाना चाहते हैं. This representative meet and make. और यही representative जो है वो मिलते हैं और बनाते हैं क्या लॉ और डिसीजन लेते हैं फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के लिए. और यहाँ पे कुछ दे रखा उसको भी पढ़ ले भाई. नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर. ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट. वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोटेस्ट strengthened during the First World War. This government is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. ये यही बोलना चाह रहा है कि वोट देने का अधिकार सभी को है. वोट से अपने सरकार को चुनते हैं, इसी तरह से वो रूल करते हैं. यहाँ पे एक दिखाए गए हैं जो कि आदमी बूढ़े आदमी जा रहे हैं वोट देने के लिए. वोटिंग इन अ रूरल एरिया ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट. और आप सभी जानते हैं कि वोट देने का अधिकार सिर्फ एक बार, मतलब कि एक इलेक्शन में सिर्फ एक ही वोट आप गिरा सकते हैं. और ये रूरल एरिया का है जहाँ पे कि फिंगर पे एक टिप दे रहे हैं जिससे कि उस टिप से पता चले कि ये आदमी वोट गिरा चुका है, दोबारा ना दे दे, नहीं तो पता चला कि सभी पार्टी के लीडर को हमने अपना वोट दे दिया. तो दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट आल्सो व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. जितने भी एडल्ट हैं कंट्री के उन सभी को वोट देने का अधिकार है. एडल्ट मतलब 18+, 18 से ज़्यादा आपका हो रहा है तो आपको भी अधिकार है वोट गिराने का, नहीं तो नहीं है भाई. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. लेकिन ये हमेशा इस तरह से नहीं होता है. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम, यहाँ भी एक समय था व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. लेकिन एक ऐसा समय था जबकि वुमेन को और गरीब आदमियों को वोट गिराने के लिए नहीं दिया जाता था. In their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. तो earliest में जो है पहले जो है सिर्फ property वाले को वोट दिया देने का अधिकार था और educated person को, गरीब को नहीं था और औरतें को नहीं था. This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जिनके पास property नहीं है, वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं और अनएजुकेटेड जो है पर्सन, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है. ये पहले की बात है. द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड. कंट्री जो है गवर्न किया जाए रूल के द्वारा और रेगुलेशन के द्वारा, ये कुछ आदमी जो है बनाए हैं ये रूल. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया में ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट. बहुत ही छोटे माइनॉरिटी को जो है एलेवेंस था कि वो वोट गिराए. एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी. सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वी आर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस पार्ट प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट. और कुछ जो है कुछ को ये खलता था, जैसे कि गांधी जी को जो ये बात गलत है, गांधी जी ने ये बोला कि ये बात गलत है, सभी एडल्ट को जो है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए. दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो यही जाने जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, जर्नल यंग इंडिया में जो है 1931 में गांधी जी बोला था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो जिनके पास धन है वही सिर्फ वोट गिराए. बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट. और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन. क्या गरीब होना गुनाह है.
सिर्फ धनी आदमी को ही वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी को देने का अधिकार होना चाहिए जो कि एडल्ट हैं। अब बोल रहा है कि लुक एट द मैप्स ऑन पेज 29 और 30, बोल रहा है 29 और 30 नंबर के पेज को देखने के लिए, दे शो द स्टेट यूनियन टेरेटरी, वो यूनियन टेरेटरी को दिखाती है और स्टेट को दिखाती है और डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं इंडिया में उनको दिखाती है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विज मैप एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, तो ये सब बोल रहे हैं, वहाँ से आप लोग मैप से फाइंड कीजिए इससे डिस्ट्रिक्ट, और को इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसमें जूम नहीं हो पा रहा। तो अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, और यहाँ पे स्टेट है और यूनियन टेरेटरीज है इसमें, तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।